नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर पुलिस के लिए नासूर बन चुके गैंगस्टर छोटू उर्फ सुयांश शोबे को पुलिस ने टीकमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। 30 से ज्यादा वारदातों का आरोपी छोटू कम उम्र में अपराध की दुनिया में बादशाह बनना चाहता था। रसूखदार और सम्पन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाला ये कुख्यात अपराधी उन बदमाशों में से एक है जिसने हत्या के प्रयास, लूट जैसी कई गंभीर वारदातों को अंजाम दिया है। कुछ महीने पहले इसने अपनी गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अनिराज उर्फ अन्ना नायडू की हत्या की थी और तब से ही वे फरार चल रहा था। अन्ना नायडू पहले छोटू चौबे की गैंग का सदस्य था, लेकिन बाद में वे अपनी गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम दे रहा था जो छोटू चौबे को नागवार गुजर रही थी। इसने अपने गुर्गों की मदद से संजीवनी नगर में एक घर में अन्ना को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि जबलपुर पुलिस ने करीब 3 महीने की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद छोटू को टीकमगढ़ जिले की एक होटल से स्थानीय पुलिस की मदद लेकर दबोच लिया और जबलपुर ले आई है, जहां पुलिस कंट्रोल रूम से छोटू चौबे को पैदल मार्च करवाते हुए जिला न्यायालय में पेश किया गया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपको याद होगा, एक अनिराज नायडू एक मर्डर केस हुआ था और हमने उसमें 1/12 को घटना हुई थी और फिर उसकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें 2 आरोपियों को उस समय पकड़ा गया था। उस केस का जो मुख्य सूत्रधार और मेन अक्यूज जो फरार था, 10,000 रुपये का इनामी छोटू उर्फ सुयश चौबे, उसे हमारी जो टीम है जिसमें हमारे थाना माड़ोताल और हमारी क्राइम की जो टीम है उसने बहुत ही अच्छे एफर्ट्स के साथ उसको पकड़ा था। और ये जो छोटू चौबे है इसके ऊपर करीब 29 अपराध हैं जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे अपराध हैं। ये जबलपुर पुलिस को 2 मामलों में वांटेड था, एक अनिराज नायडू का एक मर्डर केस जिसमें वो फरार था और एक 307 का ग्वारी घाट का मामला था जिसमें ये फरार था। ये जो कुख्यात अपराधी है ये बेसिकली इसने अब तक जो है सनसनीखेज काफ़ी वारदातें की हैं और उसके अलावा ये नए लड़कों को अपने साथ रखता है और कई घटनाएं इसने करवाई हैं। अभी इससे वेपन को लेके और अन्य चीज़ों को लेके लगातार इससे पूछताछ चल रही है और इसमें इससे जुड़े हुए और भी जो लिंक है उनको पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसको खरगूपुरा गांव है टीकमगढ़ जिले में, वहां से इसे गिरफ्तार किया गया है। वहां पर ये अपने रिश्तेदारों के यहां घर बदल बदल के रह रहा था, उसकी सूचना हमारी टीम को मिली थी और हमारी टीम ने रेकी करके, और क्योंकि ये काफ़ी शातिर बदमाश है, फरार होने के बाद इंदौर मुंबई अलग अलग जगह इन्होंने लोकेशन रखी और उसके बाद ये इसकी जब हमें टीकमगढ़ की लोकेशन मिली तो हमारी टीम ने मुखबिर की सूचना के अनुसार प्लान किया और वहाँ इसे गिरफ्तार किया गया। देखिए, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर यदि इस प्रकार के साक्ष्य आएंगे कि किसी का इसमें रोल है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कोर्ट बहुत दूर है यहाँ से, कोर्ट का कोई इसमें रिलेशनशिप नहीं है। हमारी टीम का ये ऑपरेशनल सक्सेस रही जिसमें टीकमगढ़ में जाके पुलिस ने वहाँ पर करीब 3-4 दिन कैंप किया, पूरे इंटेलिजेंस लगाई और फिर उसको पकड़ा गया। इसके पास से कुछ पिस्टल वगैरह? अभी पिस्टल की इसकी जो सूचना है उसने अभी बताया है, उस पर अभी टीम वर्क कर रही है, उसको भी जल्दी रिकवर कर लिया। हाँ, इनकी पुलिस रिमांड ली जा रही है और आगे की पूछताछ की जाएगी, यदि उसमें और कोई साक्ष्य आएंगे तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक्चुअली क्या है कि इसके साथ ये बहुत ट्रस्टवर्दी व्यक्ति तो है नहीं, वो आप रिकॉर्ड देख के आप समझ रहे होंगे। तो क्या है, कोई व्यक्ति इसके साथ काम करे, जितने दिन काम करे तो इसको ठीक रहता है। अनिराजू नायडू के साथ यही हुआ, वो उसके गैंग इसके साथ का साथी था और ये लोग साथ में काफ़ी वारदातें करते थे। उसके बाद वो थोड़ा सा इसके ग्रुप से हट गया, इसको इस बात से इसको इशू था, इस बात से दिक्कत थी और इतनी सी बात को लेके इसने अपने लोगों के साथ प्लान किया और उसने घटना को कारित किया। इसके पास से कुछ
वो भी फरार है, उस पर पुलिस की टीम लगी हुई है, उसे जल्दी गिरफ्तार। देखिए अभी पुलिस उसमें पूरा काम कर रही है और आगे जैसे उसमें साक्ष्य आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।